अगर आप भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भोजपुरी ऐसे ही नाम कमाए, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं किसी के विवाद के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जिस कारण आज हमारा भोजपुरी इतना आगे है। चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो शिल्पी राज हो, चाहे वो कोई भी बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, सभी शामिल है भोजपुरी को आगे बढ़ाने में। हाल ही में एक बात बहुत ज़्यादा तुल पकड़ा कि पवन सिंह और शिल्पी राज जी का गाना रिलीज नहीं होगा। बहुत दिनों से काफ़ी लोगों को इंतज़ार था इनके गाने को लेकर। ये बातें सामने आ रही थी कि इनका गाना रिकॉर्ड हो चुका है और जल्द ही हमारे बीच आने वाला था। शिल्पी राज ने लगभग सभी सितारों के साथ काम किया है, लेकिन पवन सिंह के साथ गाना आने के पहले ही इतना बड़ा विवाद हो गया। अब यह कहा जा रहा है कि शिल्पी राज जी पे FIR हो गया है, जिसके कारण शिल्पी राज जी का कोई भी गाना रिलीज नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री को। वैसे आपको बता दें कि 2 नंबर पे चल रही हैं शिल्पी राज इस पूरे भारत में गूगल पे अगर देखा जाए तो म्यूज़िक में। वहीं दूसरी तरफ बात करूँ तो अगर उनके गाने को डिलीट कर दिया जाएगा तो ये खिताब हमारे हाथ से कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और पवन सिंह और शिल्पी राज जी का गाना आना चाहिए या नहीं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।